हाय, गुड मॉर्निंग। बाहर मौसम देख रहे हैं आप? बारिश हो रही है, बहुत सुंदर है, बहुत रोमांटिक है। मुझे लगता है कि सारे हिंदुस्तान में कुछ ऐसा ही माहौल होगा। इसके अलावा जो कल उत्तर रामायण का एपिसोड गया, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं उस शूटिंग में नहीं था, पर मुझे पता लगा कि काफी भीड़ भाड़ थी, काफी लोग थे और काफी क्योस था उस समय। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोग रामायण का शो लेकर तंजानिया गए थे, दारासलाम। बहुत अच्छी जगह है, बहुत मजा आया, शो बहुत अच्छा गया, लोगों ने बहुत इंजॉय किया रामायण के शो को। जो ऑर्गेनाइजर था उसने क्या किया था कि हम लोगों के लिए एक एक बंदा दो दो लोगों के बीच में अपॉइंट किया था जो हम लोगों की देखभाल करेगा। तो जो साहब हमारी देखभाल कर रहे थे, उन्होंने हमसे कहा कि हम बीच पे जाते हैं और बीच पे डिनर करेंगे। मैं और दारा सिंह जी थे जो मतलब है कि साथ में थे हम लोग। तो हमने कहा चलो ठीक है, बीच में चलते हैं। बीच में गए, बहुत अच्छा बीच था, बहुत सुंदर बीच था, बहुत मजा आया, अच्छा लगा बीच पे। इनफैक्ट मैंने एक बदमाशी भी की वहां पे, मैंने एक बॉटल ली, उसके अंदर कागज के ऊपर अपना नाम लिख के उसमें डाल दिया, उसको बंद करके समुद्र में फेंक दिया, ये सोच के कि कभी ना कभी तो वो हिंदुस्तान में आएगी और मिलेगी किसी को, पर वो अभी तक नहीं मिली है मुझे। एनीवे, जब डिनर आया तो देखा 8-10 लोगों का डिनर था। हमने सोचा कि कुछ लोग और ज्वाइन करने वाले होंगे। हम वेट कर रहे थे तो जो बंदा था उसने बोला कि नहीं सर, आप लोग डिनर कीजिए। हमने कहा आ जाने दीजिए लोगों को। कहता नहीं नहीं कोई नहीं आ रहा, आप दोनों का ही डिनर है। तो सोचिए कि इतना सारा डिनर, तो मेरे लिए तो एक छोटा सा टिफिन था। तो उसने कहा ये आपका है और बाकी दादाजी का है। तो दादाजी ने जब देखा तो दादाजी कहने इतना सारा डिनर? कहते हाँ। कहते हमने सुना है कि पहलवान लोग बहुत ज्यादा खाते हैं तो इसलिए इतना सारा डिनर आपके लिए लेके आया हूं। तो दादाजी जोर से हंसने लगे, कहने लगे नहीं भाई, जितना सुनील खाता है उतना ही मैं खाता हूं, उससे ज्यादा नहीं खाता हूं। तो देखो लोगों को एक इमेज को लेके कैसी कैसी धारणाएं होती है। सो स्वीट ऑफ हिम। एनीवे, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। आप रामायण देखिए, मैं कुछ और नए किस्से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। टेक केयर, थैंक यू।